एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू हेयर स्टाइल लेके आई हूँ, जो कि साड़ी के साथ बनाऊंगी मैं। सो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके के साथ मैं मिडिल पार्टिंग से हेयर स्टाइल बता रही हूँ। आपको अपने क्राउन एरिया से थोड़े से हेयर लेने हैं। अगर आपसे पफ नहीं बन पाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से हेयर लेके आपको एक रबड़ लगा देना है इसमें। ओके, अच्छे से कॉम कर लीजिएगा। यहाँ पे रबड़ लगाओगे ऐसे। ओके, रबड़ को अच्छे से टाइट कर लेंगे, हल्का सा ऐसे पुल करके जहाँ पे आपने रबड़ लगाया है वहीं पे क्लिप लगाओगे तो बहुत ईजिली आपका पफ बन जाएगा। ये देखिए, बस ऐसे रबड़ लगाया आपने, ऐसे हल्के से ऊपर की तरफ करोगे और क्लिप लगा दो, आपका ये पफ लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बिल्कुल भी बिगड़ने वाला नहीं है ये। देखा है ना, बहुत इजी ट्रिक पफ बनाने का, जिनसे पफ नहीं बन पाता है उनके लिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने रबड़ लगाया हुआ है, सॉरी जहाँ पे आपने क्लिप लगाया है वहीं पे अपने पीछे से थोड़े से हेयर लेके इतने हेयर लेने हैं, नीचे के हेयर आपको छोड़ देने हैं। अच्छे से कॉम करना है। ओके, उसके बाद से एक रबड़ आप यहाँ पे लगा दोगे। रबड़ को थोड़ा टाइटली लगाइएगा। ओके, रबड़ तो हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद से आपको एक डोनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो छोटा बड़ा आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसको मैं यहाँ पे रबड़ के अंदर से इस तरीके से इन कर ले रही हूँ, और इसको सेट करने के लिए एक यू पिन लगा देंगे, ताकि ये अपनी जगह से सरके ना कहीं भी। ओके, यू पिन लगाने के बाद से अच्छे से बालों से डोनेट को कवर करेंगे, और एक छोटा रबड़ और ले लीजिएगा डोनेट के ऊपर लगाने के लिए। तो इस तरीके से हेयर को फैलाएंगे डोनेट के चारों तरफ। ओके, फैला के रबड़ बैंड को डोनेट के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद जो हेयर बचे हुए हैं, जो हमने डोनेट में लगाए हैं हेयर, वो वाले हेयर ही आपको उठाने हैं, और सिंपली ट्विस्ट करते हुए, जैसे यहाँ से इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए डोनेट के चारों तरफ लपेट देंगे। और यू पिन से इसको भी सेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद से बैक के जो हेयर हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद से एक साइड के हेयर को अपने ले लेना है, अच्छे से कॉम करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसको ट्विस्ट करना है ऊपर की तरफ से ही। ट्विस्ट करके इसको हल्का हल्का खींचना है इस तरीके से बालों को। एंड तक पूरा ट्विस्ट करना है और बन के चारों तरफ लपेट देना है, और इसको भी एक यू पिन से सेट कर देना है। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हेयर को लेना है, कॉम करना है, ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग को हल्का हल्का खींचना है बालों में वॉल्यूम दिखाने के लिए। और बन के चारों तरफ लपेट देना है और यू पिन से सेट कर देना है। तो काफ़ी प्यारा लगेगा। छोटा मोटा फंक्शन हो घर में, तो आप अगर नई नवेली दुल्हन है या फिर साड़ी बांध रही हैं,
तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकती हैं। उसके बाद से जो आपका फ्रंट का हेयर बचा है उसको उसका क्या करना है, इनको भी आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, देन ट्विस्ट करना है। जहाँ पे आपका बन है वहीं पे इस तरीके से ऊपर की तरफ से लेके जाना है और इंसर्ट, यहाँ से मैंने ये ट्विस्टिंग लेके गई और यहाँ पे इंसर्ट करके यू पिन लगा देना है। हाइड कर देना अच्छे से ट्विस्टिंग को। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी करना है। अच्छे से कॉम कर लीजिए, उसके बाद से ट्विस्ट कर लेना है। इसी तरीके की बहुत सारी इजी और हेल्पफुल वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आप लोग को मेरा हेयर स्टाइल का वीडियो पसंद आता हो। पसंद आता ही है तभी आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी थैंक्स बोलें वो कम है, बट फिर भी थैंक्स। ये वाला लेयर भी लेके इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है। और यू पिन से सेट करते जाना है। जुड़ेगा फाइनल लुक देख लीजिएगा पूरा वीडियो एंड तक देख के। लास्ट ये वाला जो बचा है इसको भी अच्छे से कॉम कर लेंगे और ऊपर की तरफ ले जाके ट्विस्ट करेंगे। जो आपका पफ है उसके पीछे से लेके आना है और दूसरी साइड में क्रॉस करते हुए आपको बस जुड़े के चारों तरफ लपेट के और सेट करना। अगर लॉन्ग हेयर है तो आप ऐसे राउंड राउंड करके लपेट सकते हो। मेरे शॉर्ट हैं और जिसके भी मेरी तरह शॉर्ट होंगे वो इस तरह कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ये हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ से थोड़े से हेयर बच गए हैं, इसको भी लपेट देते हैं सिंपली। ओके, अब जुड़े को डेकोरेट करने के लिए आप स्टोन्स वाले यूपिन्स ले सकते हो। इस तरीके के यूपिन आते हैं मार्केट में, मिल जाएंगे आपको। मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था 150 रुपये का। एक पिन आपको सेंटर में लगा देना है जो आपने डोनेट लगाया था वहाँ पे। बाकी आप डोनेट के चारों तरफ इस तरीके से लगा सकते हो, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप इस तरीके से ये पिन लगा दीजिएगा, अच्छे से अपने कंफर्ट के हिसाब से। अच्छे से ये पिन अंदर जा नहीं रहा, आप अपने हिसाब से अच्छे से लगा लीजिएगा। ओके, और ये है बन का फाइनल लुक। तो आपको कैसे लगा आज? का हेयर स्टाइल आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आ पाऊँ। आप चाहो तो साइड से इस तरीके से लेयर्स भी निकाल सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए।